हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों आज यू नो बहुत एक अच्छा इंसिडेंस भी बोल सकते हैं कि आज मेरी एक स्टूडेंट ने आके मुझे बताया कि सर यू नो मैं एक लाइब्रेरी में जाती हूँ और वहाँ पे कुछ सीए के बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा क्या आपको मतलब वहाँ पे अपने उस लाइब्रेरी में सीएस के बच्चे पढ़ाई करते हैं? तो उसने बोला यस बिल्कुल करते हैं सर। तो मैंने बोला बेटा क्या लगता है आपको, जो अपने सीएस के बच्चे हैं और सीए के बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई में आपको डिफरेंस क्या लगा, कि व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व उनके मोड ऑफ स्टडी में, कि सीएस के बच्चे और सीए के बच्चे? बच्चों मैं जो भी बोल रहा हूँ ये एक्चुअली बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए। तो उसने बताया कि सर मैंने देखा कि जो सीएस के बच्चे हैं सर, ये यू नो जब ये लाइब्रेरी में होते हैं तो ये 1 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे फिर उठ के जाते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं फिर उठ के जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि बेटा और सीए के बच्चे? तो बोले सर सीए के बच्चे यू नो सर सर वो एक बार बैठे ना पढ़ने तो 5 घंटे उठते ही नहीं है पढ़ के। तो बच्चों मैंने बोला ऐसा नहीं है बेटा, मतलब मैं भी सीएस का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी 10 10 घंटे पढ़ाई की है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो फिर मैंने उसको वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने फ्लिप किया बच्चों। मैंने उससे पूछा कि अगर मान लो 10 बच्चे हैं सीएस के और 10 बच्चे सीए के हैं, तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे भाग के जाते हैं? तो उसने कहा कि सर सीएस में अगर 10 बच्चे हैं तो मुश्किल से एक बच्चा ऐसा है जो भाग के जाता है और टाइम पास करता है, बट सीएस में अगर 10 बच्चे हैं तो सिर्फ 5 बच्चे भाग के जाते हैं, टाइम पास करते हैं। तो बच्चों यू नो व्हाट, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यू नो जब हम अपना तरक्की देखते हैं, जब हम अपना प्रोग्रेस देखते हैं, तो हमको कभी किसी दूसरे कोर्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों कंपेयर करने से कोई सेंस नहीं। हर आदमी अपने आप में यूनिक है, हर आदमी के पास अपना टैलेंट है, और मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि सीएस के पास बहुत पोटेंशियल है, सीएस बहुत आगे जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट चूंकि आप लोग भी चाह के बच्चों हमेशा कंपेयर करते हैं कि सीएस और सीए के बीच में यू नो देर इज अ कंपैरिजन, तो बच्चों अब ना कंपैरिजन अगर करना है ना, तो अगर आपको किसी कोर्स के साथ कंपैरिजन करना है तो सच में ये ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि उस कोर्स के बच्चे उस कोर्स के प्रति कितने ज़्यादा डिवोटेड हैं। तो अगर ये डेटा मेरे पास है तो अगर येस डेफिनेटली इट्स गुड कि आप लोग कंपेयर करते हैं कि चलो भाई हम सीए से कंपेयर करें। हालांकि मैं नहीं मानता कंपेरिजन करना चाहिए, बट कंपेरिजन हमेशा ऐसा करना चाहिए जिसको देख के हम इंस्पायर हो कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जब आप सीए के बच्चों को जैसा आपको लगता है कि यू नो कि स्कोप चाहिए, स्कोप तो है डेफिनेटली, बट आप और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो बच्चों मैं सबसे पहले एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले अगर हमको किसी से भी कंपेरिजन करना है, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे वो एमबी हो या आईएम वाला एमबीए, आपको किसी के साथ भी कंपैरिजन करना है, तो बच्चों सबसे पहला कंपैरिजन आप कीजिए उसके एफर्ट से, उसके हार्डवर्क से। कई लोग बोलते हैं सर टीचर बनना है, बच्चों मैं ऐसे बहुत सारे टीचर बता सकता हूँ आपको जो टीचर बने हैं बट दे आर नॉट डूइंग सो गुड। तो बच्चों मैं भी टीचर बना हूँ बच्चों, बट मैं दिन के 15 घंटे 16 घंटे मैं अपने प्रोफेशन को देता हूँ बच्चों। ऐसा नहीं है बच्चों अभी मुझे बहुत आगे जाना है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, बट कोई भी प्रोफेशनल बच्चों, जो इंडिया के हाईएस्ट रनिंग कंपनी सेक्रेटरी देव त्यागी, उनका पैकेज 4 करोड़ का है, बट बच्चों 4 ज़्यादा ही होगा, बच्चों 4 5 जितना भी हो, बट बच्चों क्या आपको लगता है वो सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे काम करते होंगे? आप अगर जब दूसरे से किसी से भी आप अपने आप को कंपेयर करते हो बच्चों, मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, कंपेयर करो कि वो बंदा एफर्ट कितने ले रहा है। आप देखते हो सीएस में, देखते हो कि आपका कोई स्टूडेंट, कोई दोस्त है, वो रैंक 1 आ गया, रैंक 2 आ गया, पास हो गया, आप फेल हो गए, आपने यू नो दुनिया भर के कंपैरिजन किए होंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, बट क्या आपने कभी कंपैरिजन किया कि वो कितनी पढ़ाई करता है और आप कितनी पढ़ाई करते हैं? सो इट्स गुड कि आप कंपेयर करें। और बच्चों यहाँ पे जहाँ तक मैंने भी देखा है, मैंने भी सीए के बच्चों को पढ़ाया है, तो सीए के बच्चों का अभी तो, लेकिन हाँ एट प्रेजेंट मैं ये भी बोलूँगा कि अभी जो नया सिलेबस आने का, सीएस के बच्चों का बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लेवल बढ़ा है। बट यस बच्चों हार्डवर्क के टर्म्स में, बच्चों पढ़ाई के तौर तरीकों के टर्म्स में वी नीड टू स्टिल इम्प्रूव। और डेफिनेटली जब मैं ये बोलूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे समझदार हैं, बट यस इम्प्रूवमेंट होना कभी भी अच्छा है बच्चों। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 12 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़ते हैं 14 घंटे पढ़िए, टेंशन लेके मत पढ़िए, बट स्टिल यस इम्प्रूव कीजिए बच्चों, कंपेयर करिए, बट कंपेयर कीजिए इस तरह से कि वो लोग कितनी एफर्ट लेते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बच्चों प्लीज़ मुझे सुनने में ना आए कि यू नो कि लाइब्रेरी में हमारे सीएस के बच्चे टाइम पास करते हैं और ये सब करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सीएस के बच्चे बहुत आगे जाएँ, बहुत आगे जाएँ, बहुत आगे जाएँ, बहुत नाम करें और बच्चों इंस्पिरेशन बने अपने मोहल्ले के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कि यार ये बंदा सीएस था और आज ये लाइफ में इतना आगे है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।